जो दिल से जो चल रहा है ग्रामीण कार्यों उसका जिला प्रशासन के जा सकते हैं हम हरियाणा सरकार बात करते हुए हमारे पंचायत केंद्र बबली के बात करते हुए कि आज प्रतिनिधि ये बुलाया हुआ था बबली में घूमर नहीं है हाँ, से तो अपना तो बता दिया कि मैं कर सकता मैं तो बाहर जा रहा और बाद कोई तारीख जो सरकार का है वो पिछड़े ही पर देख रहे हैं झूठे साबित हो गई है आज चाहे पिछले कितने भी आंदोलनों को उठा के देख ले चाहे वो आंगनवाड़ी का आंदोलन 4 महीने लगातार चला 975 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्करों को टर्मिनेट किया गया मुकदमे का 3 महीने अच्छी बात है कि कुछ हासिल किया उन्होंने मैं ये कहना चाहती हूँ हरियाणा के अंदर ही एक जिला है सीआईटी मांग और मुद्दों और मजदूर को हमें पे रहते हुए हर रोज जब भी निकलते होंगे देखते होंगे अब जा रहा है तो लाल झंडा उठाए हुए जा रहा है सीआईटू एक संगठन है पूरे देश के अंदर जो हमेशा लड़ा है और कुछ हासिल किया है 970 आंगनवाड़ी वर्करों को जो सरकार ने टर्मिनेट किए थे जो खट्टर साहब कह कर दे कि मैं जमा वापिस को मुकदमे दर्ज किए हुए रद्द नहीं होंगे तो वो घिसड़ी काट दिया लेके छोड़े उसको वापिस हुए वापिस आई वो बहने दोबारा अपनी ड्यूटी पे आशा वर्करों पे लाठियां चलाई थी करो दिखाया गया ये सही बात है कि ये सरकार जो है बिल्कुल बेदर्द है इसको दया नहीं है ये झूठी बेटी बात करती है आपने देखा होगा कि हरियाणा की बेटियां आशा वर्करी मिड डे मील भी अभी पिछले दिनों संघर्ष में है सफाई कर्मचारी संघर्ष जब कोई आंदोलन की आवाज उठती है
तो अब ये सरकार इन बेटियों से डरने लगी है। घरों से ही पुलिस द्वारा उठाया जाता है, अगर किसी बस में बैठ गई तो वहीं से पकड़ी गई। और यह सही बात है कि खट्टर जो रुकवे था ना, या लाल झंडा राय दिखने को नहीं चाहिए, लेकिन जितनी उसने कहा कि लाल झंडा दिखना नहीं चाहिए, उतना ही लाल झंडा मजबूती के साथ सड़कों पे उतरा है। लाल झंडे से नहीं, लाल वर्दी से भी खतरा हो गया उसमें। जब हमारी आशा वर्कर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकली थी, तो जिस बस में लाल वर्दी वाली महिला बैठी, लाल सूट पहनी, वो भी पुलिस ने नीचे उतार दी। तो यह डर तो सच्चा है लाल झंडे का, या लाल झंडा ऐवे ही नहीं है, ये मजदूरों के खून से सींचा हुआ झंडा है। मुख्यमंत्री जी, इस झंडे ने कुर्बानी देना सीखा है, इसीलिए हमेशा आगे बढ़ा है और मांग और मुद्दों को लेकर के लड़ा है, और मांगे मनवा के ही वापिस आए हैं हम। ये हमारा इतिहास है, इसीलिए आप डरो मत, हिम्मत रखो, हौसला रखो। आपके सामने तो और महिलाएं, आप तो पुरुष और महिलाएं मिलके लड़ रहे हो, लेकिन जो महिलाएं आंगनवाड़ी आशा वर्कर जो पूरी रात यहाँ पे पड़ाव डाल के पूरी दिन 24 घंटे वो यहाँ सड़क पे सो के गुजारी है, तो साथियों कुछ हासिल भी किया है। इसीलिए आप लोग हिम्मत रखिए, आपके साथ जनवादी महिला समिति पूरी तरह कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और सीआईटी की तमाम यूनियन आपके साथ खड़ी है। इसीलिए आप लोगों ने अभी पिछले सरपंच एसोसिएशन का भी जो टोहाना के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, रैली हुई, उसमें भी बड़ी खुशी है कि हमारे स्थायी कर्मचारियों ने पुरजोर समर्थन किया, पूरा वहाँ पे जो है भारी संख्या में वहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि आज सरकार से हर वर्ग दुखी है। किसी ने छेड़ के देख लो, कर्मचारी देखो, रोज कोई नौजवान को देखो, रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ काम धंधा है नहीं, जो कि मैं करा हूं उसका टाइम पे दिहाड़ी भी नहीं मिले, तो फिर क्या करें। और महंगाई महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है कि सब्जी कोई भी देख लो, 60 से लेके नीचे कोई भी नहीं है, ऊपर ऊपर क्या खा ले। और कि मैं गंठिया घर खा ले करते कि मैं रोटी बोला के करा दाल रोटी खाओ, अरी के गुड़ गाओ, और गंठे का रोटी खा के गुजारा कर लिया करते, इब दाल रोटी भी खुश गई, वह गंठा भी खुश गया, इब हरी के गुणा छोटा सा रह गया, उसने ठाई बजाई जाओ, किसके करेंगे उस हरी का, देगा पेट में खाने, नहीं मिलेगा उस हरी से भी, मिलेगा तो हमारी मेहनत से मिलेगा, उस मेहनत से हम कमा के खाना चाहते हैं, लेकिन सरकार वो कमा के खाने भी नहीं दे रही, वो रोजगार पे भी हमला डाल रही, टाका डाल रही है। आज आप देख रहे हो रोज महंगाई की हालत, दूसरी तरफ एक और ले आई है सरकार फैमिली आईडी के नाम से। एक तो यह बड़ी खासियत है इस खट्टर वाली सरकार में, मोदी एंड कंपनी की सरकार में, इन आरएसएस और ये भगवाड़ा की सरकार में, कि इनने कार्ड घने बढ़ा दिए। इवन कार्ड न्यू नहीं समझ में आता कि कौन सा कार्ड गोज में रखा, कौन सा घरा रखा, 24 घंटे थैले में कार्ड रखने पड़े 24 घंटे। बोले क्या की लाइन लाग रही है नगर निगम के बाहर, बोले आवास योजना के तहत जो है ना मकान मिलेंगे, और वह लंबी लंबी लाइन लगी रही कई कई महीने तक, रात में भी लोग ओड़े सोया करते भी सवेरे पहला नंबर आ जाएगा, अरे बोले 2022 में सब ने हम ढूंढ दे जाएंगे रहने, और वह फार्म भरे आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी ने कि मैं ढूंढ कि मैं मिला हो तो बता दो। दूसरी बात इनने बोला कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इब लाओ मोदी सरकार, इब मोदी सरकार ले तो आए, लेकिन वो बाढ़ पूनम कह तो रही थी एक बार तुम सोचा था कि कांग्रेस तो दुखी हाए हाँ कि मैं यह भला कर देंगे, ले चलो देख लो इन्हें, क्योंकि जड़े आप धरना दिया करते ओड़े पहुंच जाते ये,
बोले हमने लिया हम पक्का करांगे, हमने लिया हम 2 करोड़ लोगों ने रोजगार देवांगे, हमने लिया हम महंगाई ने कम करांगे, जड़े बाहर बैठे की इज्जत लुटी जाती ओड़े आप कि मैं विरोध करा करते न्याय खातर ओड़े पहुंच जाते। बोले हमने लिया महिलाओं पे घने अत्याचार हो गए, हमने लिया हम इसने रोकांगे। लेकिन भाई किससे में ना दिखा हमने तो इनमें बदलाव, बाण बेटिया की इज्जत लूटी है तो इनके राज में सबसे ज्यादा लूटी है। इन्हीं के लोग बीजेपी के लोग ही बहन बेटियों की इज्जत पे डाका डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सरकार के अंदर कि खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा हरियाणा की जो जूनियर कोच है शिक्षा जागर जो झज्जर की बेटी है उसकी अस्मिता पे डाका डालने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री से जब विधानसभा के अंदर जवाब मांगा गया विपक्ष द्वारा कि आप मंत्री पे तो मुकदमा दर्ज है छोरी छेड़न के, इस पे तरह तरह के संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज है, जेवड़े क्यों बिठा रखा है इसकी, इसको सस्पेंड करो, इसको पद से बर्खास्त करो, तो मुख्यमंत्री बोला पेपर पे हाथ मार मार के कोनिया टाऊ इसने कोनिया टाऊ भाई के भाई तेरा संदीप सिंह फुफाना कह के क्या दिक्कत है, आप तो बेटी बचाओ की बात करते हो, उस बेटी ने तो इस पे आरोप लगा रखे हैं, मुकदमा दर्ज है चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर, लेकिन आप उसको पद से बर्खास्त नहीं कर रहे, अपने गैर बिठा के रख रखा है, पूरी शह दे रखी है उस मंत्री को, अपन ने देखा कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, मुकदमे दर्ज हुए लेकिन अभी कोर्ट में चल रहा है केस। उसके बाद क्या हुआ दिल्ली में देख लो, इनके साथ आगे साथ ऊपर बैठे भाभी यही हाल, वो ब्रिज भूषण वो बिखेर संसद है वहां पे पूरा देश की संसद के अंदर बैठता है, उस पे भी खिलाड़ी लड़कियों ने जो है छेड़खानी के मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं और सच्चाई भी सामने आ रही है, जांच में भी आ गई कि दोषी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द में नहीं बोला उसका ये ढंग का, अपने घर में कोई निकम्मा बालक हो क्या आप उसकी क्लास नहीं ले, अगर जमाई गांव में बेइज्जती करता तो करते ही बाहर काटता है, तो यह किसी छाती पे ला के बैठे हैं, तो यह झूठे नारे ला रहा है बेटी बचाओ के भी, क्योंकि बेटियां आज दुखी जुड़सी हैं, जिन पे खतरा है इन्हें दे है, तो इसलिए सबसे पहले तो आने वाले समय में हमने अपनी बाहर बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखनी है तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। रोजगार के लिए लड़ना है या रोजगार खातर कहे थे नौजवानों ने 2 करोड़ रोजगार देवांगे, लेकिन हर रोज रोजगार पे हमला हो रहा है, नगर निगम के 3850 कार्ड रखे हैं, पीटीआई जो टीचर थे कोरोना के समय में 1960 वो कार्ड रखे हैं, ड्राइंग टीचर कार्ड रखे हैं, हर रोज कलम चरण लग रही है, स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूलों में बोले बालक नहीं आते, प्राइवेट मेरी पर कटने जावा, ये अब चिराग योजना के तहत एक लाए स्कीम न्यारी, बोले इसमें जो सा सरकारी में बालक पढ़ेगा उसके 500 रुपए लगेंगे क्योंकि वो मॉडल संस्कृति स्कूल होगा, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तुम बालक तो हम 1100 रुपए देंगे पढ़ाने के, तो इसका मतलब ये सरकारी स्कूलों को बंद करा के हमारे बालक ने प्राइवेट की तरफ लालच दे के भेजना चाह रहे हैं कि लालच में आके बालक प्राइवेट में भेज देंगे और फिर उसके बाद क्या बढ़ेगा, वह बढ़ेगा जो पहला बढ़ा, वह बढ़ा जो सब्सिडी गैस पर मिला कर दी, सिलेंडर 250 पे था 2014 में, हमने नू बोले हम सस्ता करेंगे, आपा सरकार ले आए बीजेपी की, लेकिन उसके बाद हर महीने में सुबह लागदा 200 का 400 का होगा 500 का होगा 600 का होगा, ये बोला तो बोलने से पहले बोले चुप रहे सब्सिडी भी तो आने लग रही है, और सब्सिडी का लालच दिखा के हम बोलते नहीं थे, धीरे धीरे वो सब्सिडी बंद कर दी और 1100 रुपए तक सिलेंडर लेके मजबूरी में पेट की आग बुझाने के लिए हमें खाना बनाने के लिए लेना पड़ा, और दूसरी तरफ बीमारियां का इलाज हाल देख लो, बीमार हो हाँ 1 लाख से कम पेट का दर्द का इलाज को नहीं हो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल, और सरकारी हॉस्पिटलों में एक सरकारी हॉस्पिटल है गुड़गांव का यार तो तोड़ताड़ के घेर रखा है, मेरा ने क्या साल लगेंगे पटन में, इब लग नीम नहीं धरी गई, और वह सेक्टर 10 में जगह पे बढ़ रहा है उसके अंदर
कितने मरीज हैं देखा है, एक एक बेड पे तीन तीन मरीज, चार चार मरीज। डॉक्टर है तो मशीन नहीं है चेक करने की, अगर अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है तो उसकी भी 2 महीने पाछे की डेट मिले है। हालत यह खड़ी है और सरकार कह रही है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री और खट्टर या मोदी बिरानी के क्या है, बोले आयुष्मान योजना लेके आए हैं। आयुष्मान कार्ड बनेंगे भाई, चिरायु योजना के तहत वो आयुष्मान कार्ड के है, वो 5 लाख का बीमा होगा। उस बीमे में अगर किसी की कोई तकलीफ है उसमें कोई इलाज हो, अगर कि मैं काटना हो भीतर का कि मैं काटना हो, टांग मां कटवानी हो कि मैं किडनी गुर्दा फेफड़े कटवाने हो बाहर, तो हॉस्पिटल में दाखिल होने पे उसका कि मैं पैसा मिलेगा, वह भी किसने मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटलों को उसमें से पैसा दिया जाएगा। भाई रोज की जो बीमारी है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, जो सर रोज में हो गया किमें, उसका इलाज कैसे होगा? उसका तो प्राइवेट में जाओगे तो 500 की पर्ची, फिर वह डॉक्टर लिखेगा 1200 की दवाई, अगले बार जाओ बिना दवाई दे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मते को नहीं लेने की, चला लेंगे गाड़ी।